आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एबीपी न्यूज की एक न्यूज के बारे में, जिसको प्रधानमंत्री की तरफ से रीट्वीट किया गया था। इस न्यूज को लेकर बहुत सारे एक्सट्रीम रिएक्शंस आ रहे हैं, कई लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं तो कई लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन आप सभी ये चीज जानते हैं कि हम लोगों की तरफ से हमेशा एम्फेसिस दी जाती है डिटेल्स के ऊपर। न्यूज में एक आर्टिकल आया और हम लोग उसको आपके लिए पढ़ दें तो हमारी तरफ से वहाँ पर वैल्यू ऐड क्या हो रही है? वैल्यू ऐड ये है कि हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। एबीपी न्यूज के आशीष सिंह की एक रिपोर्ट आई थी जहाँ पर उन्होंने पुराने कुछ डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं, और जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूपीए जब पार में थी तब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट को लेकर कुछ अड़चने डालने की कोशिश की गई थी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप पढ़ सकते हैं कि फिलीपींस को जब ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी तो उस समय की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ब्रह्मोस एरोस्पेस को एक लेटर लिखा गया था और उसमें पूछा गया था कि क्या आपके पास में पॉलिटिकल क्लियरेंस है जिसके बेसिस पर आपकी टीम फिलीपींस जा रही है, और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि अपनी विजिट से पहले आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से आकर मिले। दूसरा लेटर जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया गया है, यहाँ पर बात हो रही है एक इंडोनेशियन डेलीगेशन की जो भारत आ रहा था और इनका प्लान था ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑफिस को विजिट करने का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि इस विजिट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए, और इस लेटर में एटलीस्ट कारण बताया गया है कि अभी तक इसके एक्सपोर्ट को लेकर किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं लिया गया है। और इस लेटर में नीचे मेंशन किया गया है कि रक्षा मंत्री का यहाँ पर अप्रूवल भी है, यानी कि रक्षा मंत्री के अप्रूवल के बेसिस पर ब्रह्मोस एरोस्पेस को यहाँ पर इंस्ट्रक्ट किया गया था कि आप यहाँ पर इंडोनेशिया को एंगेज नहीं कर सकते। अगर आप इन लेटर्स के सिग्नेचर्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बाबू लोगों के लेटर्स हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले लेटर में तो साफ साफ लिखा गया है कि उस समय के डिफेंस मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद में ये लेटर भेजा गया है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले लेटर में मिनिस्टर का नाम नहीं मेंशन किया गया है और वहां पर लेटर की टोन थोड़ा रिक्वेस्ट टाइप है। अब आप इस पूरे सिनेरियो को दो तरीके से देख सकते हैं। पहला, भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इन मिसाइल सिस्टम्स को एक्सपोर्ट ना कर पाए और इसी वजह से यहाँ पर अलग अलग तरीके की अड़चने लगाई जा रही थी। लेकिन अगर हम लोग इसके डिटेल्स पे जाएं और दूसरे पॉसिबल कारणों को समझने की कोशिश करें तो आपको एक और एक्सप्लेनेशन मिल सकती है। देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम भारत और रशिया का एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है, और अगर भारत को ये मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट करनी है तो इसके एक्सपोर्ट को लेकर रशियन साइड को भी अग्री करना पड़ेगा। साउथ चाइना सी के आसपास जितने भी देश हैं उनको ब्रह्मोस एक्सपोर्ट बेसिकली चाइना के खिलाफ होगा, और रशिया और चाइना के जिस तरीके के रिलेशनशिप हैं वो हम सभी समझते हैं। यूक्रेन वॉर से पहले भारत और रशिया के बीच में जब नेगोशिएशन होती थी तो भारत के पास में नेगोशिएशन पावर कम थी। प्रैक्टिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत सरकार रशिया के खिलाफ जाकर कोई भी चीज नहीं करना चाहती थी। इन दोनों ही लेटर्स के अगर आप डेट्स देखेंगे तो एक साल 2010 का है जहां पर इंडोनेशिया की बात हो रही है, और दूसरा साल 2014 का है जहां पर फिलीपींस की बात हो रही है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर रशियन न्यूज एजेंसी की साल 2016 की एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और रशिया के बीच में अग्रीमेंट हो चुका है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम तीसरे देश को बेची जा सकती है। यानी कि प्रैक्टिकली साल 2016 से पहले भारत और रशिया के बीच में ये अग्रीमेंट नहीं था, और नेचुरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को फर्क पड़ रहा था कि ब्रह्मोस एरोस्पेस बिना इस अग्रीमेंट के इस मिसाइल सिस्टम को बाहर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादा बड़ा इशू ये है कि साल 2010 में अगर इंडोनेशिया इस मिसाइल सिस्टम में इंटरेस्टेड था तो उस समय की भारत सरकार ने रशिया के साथ में ये अग्रीमेंट करने की कोशिश क्यों नहीं की। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि उस समय भारत सरकार की पॉलिसीज क्या थी, चाइना को लेकर उस समय हम लोग क्या सोचते थे और किस तरीके से रिएक्ट करते थे। ओवरऑल अगर साल 2010 और साल 2014 में हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। लेकिन चलिए, अब ये ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम क्लियर हो चुकी है और फिलीपींस की तो डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जरूरत है कि भारत अपनी इंडोनेशिया के साथ में कैंपेन को बेहतर करे और जल्द से जल्द इस मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करें। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।